मैं सरवण सिंह पंदेर इस समय शंभू मोर्चे से बोल रहा हूँ। जो अमर अनशन है खनौरी पर चल रहा है उसका 8वां दिन है और जो मोर्चा 13 फरवरी से चल रहा है उसका 295 दिन हो गए। यही रास्ता है, आप पीछे देख सकते हैं, जहां से हम दिल्ली की ओर जत्थों के रूप में कूच करेंगे। और जो कल मीटिंग हुई थी उसमें प्रशासन ने जो हमने पहले व्योत बनाई थी वही उनको बता दी भी जत्थों के रूप में जाएंगे, पीसफुली प्रोग्राम रहेगा, कोई ट्रैफिक जाम नहीं रहेगा और पैदल जाएगा जत्था। जत्थों की संख्या कल घोषित की जा सकती है अगर सबकी सहमति बन गई तो। इसी के साथ साथ जो कुछ हरियाणा में के मंत्री अब पहले बोलते थे भी हमें आपके दिल्ली जाने पे कोई आपत्ति नहीं है, अब भाग रहे हैं, इसके ऊपर हरियाणा सरकार को सोचना चाहिए। यही हम पूरे देश दुनिया को बात करना चाहते हैं कि ये जो दीवार निकली है मेरे पीछे, इन्होंने पंजाब हरियाणा की आर्थिकता का नुकसान किया, ट्रांसपोर्टरों का नुकसान किया, व्यापारियों का नुकसान किया, आम लोगों को तंग किसने किया? मोदी सरकार ने। और इसी के साथ साथ जो आज पंजाब में जो दरिया में गंदा पानी लुधियाने की फैक्ट्री से डालती थी, वहाँ आम नौजवानों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन रखा था कि आप जहरीला पानी जो है बुढ़े नाले का वो दरिया में मत डालें। तो जो आज पंजाब सरकार हमें मालूम हुआ है, वहाँ पर नौजवानों को गिरफ्तार किया गया, लाठीचार्ज किया गया, उसके दोनों फॉर्म निंदा करते हैं, उनको तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। और जो उनको अदालतों का नोटिस भी उनके खिलाफ है, अभी आपका जहरीला पानी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी उनके खिलाफ लिखा है, तो फैक्ट्रियों का गंदा पानी तुरंत बंद किया जाना चाहिए, ऐसी हमारी भी मांग है। और हम दोनों मोर्चों के ऊपर अधिक से अधिक पंजाब के, हरियाणा के, आसपास के राज्यों के किसानों को पहुंचने की अपील करते हैं और 6 को दिल्ली कूच अटल है, ये किया जाएगा। धन्यवाद।